हेलो दोस्तों, पहली बात तो आपका बहुत ही शुक्रिया क्योंकि आपने मेरे पहले वीडियो पे बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ और वो टॉपिक है हाउ टू एडजस्ट और ट्यून अप योर कार्बोरेटर टू गेट मैक्स माइलेज एंड बेस्ट परफॉर्मेंस। तो ये करने से आपके बाइक या स्कूटर में क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पहला प्रॉब्लम है ऑफकोर्स आपका माइलेज इंक्रीज होने वाला है। दूसरा प्रॉब्लम है आपका बाइक का परफॉर्मेंस एनहांस होने वाला है। तीसरा प्रॉब्लम जो सॉल्व होने वाला है, आपने नोटिस किया होगा जब कभी आप रेड लाइट पर रुकते हो तो आपका बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जाता है या फिर आपका स्कूटर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये इश्यू भी इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं। फोर्थ प्रॉब्लम आपने नोटिस किया होगा जब कभी आप अपना बाइक स्टार्ट करते हो तो आपकी बाइक या फिर आपका स्कूटर ऑटोमेटिक रेस लेने लगती है आपके रेस किए बिना ही, तो ये इश्यू भी इसमें सॉल्व होने वाला है। और फिफ्थ जो प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा जब आप मॉर्निंग में अपना गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आपको लंबे लंबे सेल्फ लेने पड़ते हैं या फिर बहुत ज्यादा किक मारने पड़ते हैं, तब जाके आपका बाइक या फिर स्कूटर चालू होता है, तो ये इश्यू भी इसमें सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे स्कूटर की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो कार्बोरेटर में स्क्रू लगा होता है उसे हम कितना घुमाएंगे तो हम उसे हाफ कहेंगे या फिर और हम उसे कितना घुमाएंगे तो हम उसे फुल कहेंगे, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है जब हम अपना कार्बोरेटर ट्यून अप करने वाले हैं। तो चलिए पहले मैं आपको डायग्राम की तरफ ले चलता हूं। कार्बोरेटर में हमें ऐसा एक स्क्रू मिलने वाला है जिसे हम एयर और फ्यूल मिक्सचर स्क्रू कहते हैं, ठीक है। तो हम स्क्रू के बाजू में एक ऐसा पॉइंट मार्कर से मार्क कर लेंगे और जब हम इसे यहाँ से ऐसे घुमाएंगे इस तरफ या फिर टाइट या लूज करेंगे तो जब वो इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे वो पॉइंट है तो उसे हम हाफ टर्न कहेंगे, और जब वो वहाँ से वापस अपनी जगह पे आ जाएगा तो उसे हम एक फुल टर्न कहेंगे। तो ये जब हम अपने गाड़ी पे काम करेंगे तो बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए अब हम अपनी गाड़ी पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे गाड़ी में जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हम जैसे ही गाड़ी ऑन करते हैं हमारी गाड़ी बंद हो जाती है, आइडलिंग पे रुकती नहीं है, ठीक है। तो कार्बोरेटर एक्सेस करने के लिए एक्टिवा का हमें डिक्की को खोलना पड़ता है। यहाँ पे नट्स होते हैं, एक दो और तीन, मैंने पहले ही खोल रखा है क्योंकि हमारा टाइम बची इसके लिए। तो हमें इसे खोलना है, 12 mm का बोल्ट लगता है इसे खोलने के लिए, और इसे हमें यहाँ से उठाना है और यहाँ पे इसे लॉक करना है। इसे जैसे हम उठाएंगे तो हमें यहाँ पे जब ये काम करे तो आपका गाड़ी कम से कम आप 10-15 मिनट चला ले ताकि गाड़ी आपका गर्म हो। आप ये काम तभी करना, उसके पहले आप ये काम करने मत जाना। तो दोस्तों ये अपना कार्बोरेटर है और इसे कहते हैं हम आरपीएम स्क्रू और आइडलिंग स्क्रू, जिसके पीछे स्प्रिंग लगा होता है। और ये जो नट है इसे हम कहते हैं एयर फ्यूल मिक्सचर। तो हमें आइडलिंग, हमें ट्यूनिंग स्टार्ट करने से पहले इस आइडलिंग स्क्रू को 1.5 या फिर 1 turn टाइट करना होता है। तो हम इसे फिलहाल अभी हाफ टर्न टाइट कर रहे हैं और ये जो हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर स्क्रू है इसे हम पूरा एक बार टाइट कर लेंगे। तो ये हाफ, और ये हो गया फुल, इससे ज़्यादा टाइट नहीं हो रहा है। तो हम ट्यूनिंग स्टार्ट करने से पहले अपना एयर फ्यूल मिक्सचर जो स्क्रू है उसे 1 round बाहर की तरफ लूज कर देंगे। ये हो गया अपना हाफ और ये हो गया अपना 1। अब अपनी गाड़ी हम स्टार्ट करेंगे। तो अब आपको एक काम करना है, आपको अब गाड़ी के आवाज़ के ऊपर फोकस करना है और आपको धीरे धीरे ये एयर फ्यूल जो मिक्सचर है उसे लूज करना है, मतलब बाहर की तरफ धीरे धीरे। आपको गाड़ी के आवाज़ के ऊपर, आरपीएम के ऊपर फोकस रखना है। आप देखेंगे गाड़ी का आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ये मैंने हाफ टर्न लूज किया, देखो गाड़ी का आवाज़ बढ़ रहा है।
गाड़ी का आवाज़ और बढ़ रहा है। आपको जहाँ भी लगे कि गाड़ी का आवाज़ मैक्सिमम बढ़ रहा है, आपको आपको अपने एयर फ्यूल मिक्सचर को वहीं पे छोड़ दें। ये देखो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम अपने गाड़ी का आरपीएम मिल रहा है। तो ये मेरे गाड़ी का राइट एयर फ्यूल मिक्सचर है जिससे मुझे मैक्सिमम माइलेज और परफॉर्मेंस मिलने वाला है। तो अब हम क्या कर लेंगे, अब हम अपना आरपीएम स्क्रू, आइडलिंग स्क्रू ठीक कर लेंगे। हमारे गाड़ी का प्रॉपर आइडलिंग लेंगे ताकि हमारा गाड़ी रेड लाइट पे बंद ना पड़े। तो मेरे गाड़ी का आइडलिंग आ चुका है, ये आइडलिंग यहाँ पे सही है। तो आपको एक बार हेडलाइट ऑन करके भी देख लेना है, आपकी गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। तो हेडलाइट ऑन करने पे भी मेरी गाड़ी बंद नहीं। तो ये मेरी गाड़ी की प्रॉपर आइडलिंग। तो चलिए अब हम हमारी गाड़ी को बंद कर लेते हैं और आपका हम इसका फाइनल आउटकम देखते हैं। अभी आप देख सकते हो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, हमारा गाड़ी प्रॉपरली आइडल है। उम्मीद करता हूँ मेरा आप ये काम आपको पसंद आएगा। थैंक यू दोस्तों।